हम कृष्णकांत शर्मा हमारा नाम है, हम जयपुर में रहते हैं, ब्रज का शरीर है, रहती जयपुर। और एक चीज़ देखने को मिलती है कि आजकल जो युवा वर्ग हैं वो काफ़ी मतलब संसार में खोए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सत्संग से जुड़ना और जो श्रीमद् भागवत कथा होती है इनको श्रवण करना कितना आवश्यक है। पवित्र नगरी अमरकंटक में अभी शांति कुटी आश्रम में श्रीमद् भागवत कथा संपन्न हुई है, जहाँ तक जो जानकारी है। भागवत आचार्य स्वामी जी हैं हमारे साथ, आपसे जानना चाहेंगे जैसे कि पवित्र नगरी अमरकंटक में श्रीमद् भागवत कथा संपन्न हुई है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? इस नगरी में शांति कुटी आश्रम में 14 जुलाई से भागवत कथा प्रारंभ हुई, 20 जुलाई को उसका समापन हो गया। आज आश्रम में विशाल भंडारे का आयोजन हुआ है, जिसमें यहाँ के सभी संत महंतों का सबका आगमन हुआ है, स्कूलों के बच्चे भी भोजन प्रसाद लेने आए हैं और स्थानीय लोग भी खूब भोजन करें। हमारे विचार से करीब 3-4 हज़ार लोगों के भोजन प्रसाद का आयोजन हुआ होगा आज विशाल। आचार्य श्री, आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे, आपका परिचय जानना चाहेंगे। हम कृष्णकांत शर्मा हमारा नाम है, हम जयपुर में रहते हैं, ब्रज का शरीर है, रहती जयपुर में है और यहाँ भी कई बार कथाओं का आयोजन शांति कुटी में हम कर चुके हैं। बस यहाँ पर देख रहे होंगे जैसे गुरु पूर्णिमा के अवसर पर काफ़ी भक्त श्रद्धालु भी आए, आपके लिए क्या उनके लिए आशीर्वाद स्वरूप? हमारा सबको आशीर्वाद स्वरूप ये है कि मनुष्य जन्म के महत्व को वो समझें, समझ रहे हैं। संसार के अन्य कामों की तरह भगवत प्राप्ति को भी एक काम वो निर्धारित करें। हमारा लक्ष्य यह है कि जो भगवत विमुख जीव हैं उन जीवों को भगवत सन्मुख कर देना, उसमें महाराज श्री की बहुत योगदान है, उनके भक्त हैं। अब चूंकि वो तो परंपरा में संत परंपरा से जुड़े हैं तो उनको तो ये परमार्थिक मार्ग परमार उसमें परम्परा में मिला हुआ है, विरासत में मिला है। उसमें हमारा भी आयोजन है, इन संतों का हर वर्ष इस आश्रम में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये कार्यक्रम रहता है, तो ये तो इसीलिए आयोजन होता है कि सारे भक्त संप्रदाय इनसे जुड़ें, आएं, सत्संग करें, भगवान नाम का आश्रय लें, सेवा करने का संस्कार उनको मिले। संतों से जितना अधिक जुड़ेंगे उतना जीवन में उन्नति ही उन्नति होगी। जी, और एक चीज़ देखने को मिलती है कि आजकल जो युवा वर्ग हैं वो काफ़ी मतलब संसार में खोए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सत्संग से जुड़ना और जो श्रीमद् भागवत कथा होती है इनको श्रवण करना कितना आवश्यक है? इसका संबंध एक आदर्श से है। आदर्श का तात्पर्य है कि युवा वर्ग है, युवा वर्ग जिनको संस्कार विरासत में मिला है, हमारे जीवन में भगवान नाम की महिमा और भगवत कथा सत्संग की महिमा ये शास्त्रों ने, वेदों ने, पुराणों ने गाई है। क्योंकि हम जिस चीज़ को आदर्श मानेंगे, हम सनातन संस्कृति के लोग, वो हमारे लिए आदर्श हैं, संत महापुरुष हमारे लिए आदर्श हैं। हम उन चीज़ों को आदर्श रूप में मानेंगे, उनका चिंतन करेंगे, उनको बताए मार्ग पर हम अनुसरण करेंगे, तो निश्चित रूप से वो संस्कार हमारे अंदर जागृत होंगे, वही मनुष्य जन्म की सार्थकता है।